बेटा मन करता है लेसन। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। लेसन फोर, और मैंने आपको इसमें शायद कुछ वर्क भी कराया है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैंने इसमें कुछ वर्क कराया है चांदी। कुछ कराया था मैम, मुझे पेज नंबर 31 कराया था। हाँ जी, तो 31 तो यही है ना। मैं तो लेसन 4 पे नहीं है मैम। हाँ जी, हमने आपको कराया था तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन बहुत जमाता है, क्यों मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची शोर मचाओ, है ना। ये भी कराया था, दिखाया था तुमने। यस मैम। फिर है आगे, कौन किस पर अकड़ जमाता है, जमाता होगा, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। तो ये भी हमने करवा दिया था है? और हमने आपको एच डब्ल्यू दिया था, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है, कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। तो आप लोगों ने मूछें बनाई? यस मैम। आप रिजल्ट क्या नाम दिया है, कुछ नाम दिया है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम दिया है? नाम दे सकते हैं कि ये नटुलाल जी की मूछ है, और ये कुछ भी नाम अपने मन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पता करो। अब आता है क्वेश्चन, पता करो तुम्हारे घर। हेलो हेलो, अब पता करो में क्या दिया है, तुम्हारा घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। जहाँ पर ये कहा गया है कि बच्चों, जैसे कि आप अपने जो आपके पास में रहती हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में लिख सकते हो कि हमारी ये फ्रेंड है, ये नाम मतलब इसका, और इसका आसमान में उड़ने का मन करता है, किसी का जो आपके पड़ोस में रहते हैं या आपका भाई है, इसका नाम लिखिए और उस तरीके की आपको लिखना है अपने मन से। आप क्या लिखोगे, मैं जैसे बता रही हूँ आपको, मान लीजिए राम है, है ना, राम, हम राम के बारे में लिख रहे हैं, राम एक व्यक्ति का नाम है और हम इसके इसके बारे में लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं हम कि इसका जो है वो चांद पे जाने का मन करता है, इसी तरह से जो आपके लिए करना है। और नेक्स्ट
पे नेक्स्ट टर्म पे सैटरडे को आप लोग पेपर पेरिको जो भी यहाँ पर सामान लिखा हुआ है चलो पतंग बनाए सारा सामान लेकर के बैठेंगे ठीक है सब लोग और वहीं से वहीं पर पतंग बनाएंगे ठीक है देखेंगे ना वहाँ आप बनाइए हम यहाँ से देखेंगे हम भी बनाएंगे आप भी ठीक है तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं सोचो और बताओ सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा बताइए बच्चों सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा आप लोग भी रेडी हो जाइए पेंसिल इरेजर नोटबुक पीस लेकर के ओपन योर नोटबुक अपनी नोटबुक को ओपन करके और सर वही क्वेश्चन लिखी बुक है ना आपके पास सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा सोचो तो क्या हुआ पांच बार डाल देना पांच बार ये मैम बुक में करना है कि नोटबुक में मैम बुक नोटबुक में नोटबुक में क्लास पुस्तिका किसको कहते हैं कॉपी किसको बोलते हो ना आप बोलते हैं आप क्या बोलते हैं सिर्फ कॉपी बोलते हो जरूरी नहीं और वो हिंदी में बोले तो क्लास पुस्तिका ठीक है स्क्रीन हटा लीजिए कि कैसे हम ना लिख पाएंगे तो हमारा लिख दे प्रश्न उत्तर लिख दे हो गया ना डाल मन करता ये पूरा है डाले करता मन करत है मन कर ऐसे ही दौड़ने के लिए हर जगह को किरणों देने ताकि वो अपना प्रकाश पूरी दुनिया में फैला सके ताकि धरती पर सब तरफ की रोशनी फैल सके ताकि धरती पर सूर्य की किरण देने के लिए सब
आगे बढ़ते हैं. चिड़िया शोर क्यों मचाती है? बल्लेदार कह रहा है मन कर पापा बनकर अपनी मूछ मन करता है. मुझे लगता है चिड़िया जो है सब सोए हुए लोगों को नींद से जगाने के लिए शोर मचाती है. मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही. इसके पास नहीं है. बच्चों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो नो मैम आवाज आ रही है ना? ओके चलिए ठीक है. नो मैम नहीं आ रही. चंदा क्या है? स्क्रीन नहीं आ रही क्या? बंद करता है. स्क्रीन आ रही है मैम. स्क्रीन आ रही है. नहीं आ रही. तो चंदा तारों पर क्यों पकड़ता होगा? चंदा तारों पर क्यों पकड़ता होगा? नंबर तीन सुन रहे हैं. तीसरा चंदा
शायद चंदा आहार भी तारों से बड़ा है इसलिए वो तारों पर आसमान में दो बड़ा छोटा दिखाई देता है जबकि वो मोटा बहुत बड़ा है लेकिन हमें दिखाई छोटा देता है चंद्रमा चंद्रमा हमारे पास में है तारों से अधिक पास में चंद्रमा है तो चंद्रमा जो है वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है इसीलिए हम समझते हैं कि चंद्रमा जो है घर कैसे Hi, please. कैसे सुनाते होंगे दादाजी क्या करते होंगे मैं सब
दादाजी घर सारा अपने हिसाब से अपना सभी पर सब देख कर है अपने राशन को मैम कल ज्ञान सर मैम मैम कल सर गई थी पर हो गया हम आंसर पूरा हो गया इतना आंसर पता नहीं मेरे को ओके म्यूट कर लीजिए पढ़ता होगा मैंने मैम सुनिए किस जगह क्वेश्चन आंसर लिखवाते हो उसको नोटबुक में लिखना ट्यूजडे को आपने जो करवाए थे ट्यूजडे को हमने आपसे पहले ही कहा था अगर आप बुक में लिख सकते हैं तो उसके सामने लिख लीजिए लेकिन उतना छोटा आप लिख नहीं पाएंगे तो आप उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए ऐसे लिखिए आसमान में यस उसके आगे लिखिए क्या होगा नोटबुक में हो जाएगा क्योंकि बुक में आप लिख नहीं पाओ छोटा छोटा लिख नहीं पाओ तो बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब आया है नेक्स्ट आता है शोर शोर क्या है अब इसमें पूछा गया है एक मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो बच्चों जब जब आप आंख बंद करके थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको शांति को ध्यान लगा कर बैठना है यानी कि बोले चले जाना नहीं बिल्कुल ध्यान लगा करके बैठना है और फिर आपको सुनना है कि आपको कौन कौन सी आवाज सुनाई दे रही है और इसके बाद जब एक मिनट के बाद जब आप आंखें खोलेंगे फिर आप अपनी अपने इस बुक में लिखेंगे कि आपने कौन कौन सी चीजों की आवाज सुनी है क्या क्या आवाज सुन सकते हैं बताइए कल्पना कीजिए कि आप क्या आवाज सुनी
Hello? Math में सारी थी मैम. I think कौन कौन से आवाज आप सुन सकते हैं? पहली बात तो पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं. है ना, जो पक्षी बोलते हैं सुबह. आप मॉर्निंग में बैठेंगे तो और अच्छी आवाज सुनेंगे. पक्षियों की आवाज सुनाई देगी. घर में अगर खाना बनता है तो अम्मा अगर किचन में हमें कूलर में कुछ चलाया तो आपको सुनाई देगी. सुनाई देगी. और घर के बाहर कुछ व्यक्ति, कुछ लेडीज, जेंट्स अगर कोई बात कर रहे हैं तो आवाज आपके कान में जाएगा. बच्चे खेल रहे हैं अगर आसपास तो वो आवाज भी आपके कान में जाएगी. है ना? यस मैम. तो ये चीजें आप आंख बंद करके बैठेंगे और सुनेंगे. आपको जो भी जर्मनी की जो मैम बता रही वही आवाज आपको सुन. क्या पता आपको और भी कोई आवाज सुनाएगी आप लिख लीजिए. इसको करके रखिएगा फिर हम इसको पूछेंगे कि आपको सबसे अधिक आवाज किसकी, सबसे ज्यादा आप कौन सी आवाज शोर मचा रहे ये आप हमें बताएंगे सैटरडे को. ओके, तब तक के लिए बाय बच्चों. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you for meeting. Bye, ma'am.